on this very first session of Python programming, okay? Audio video sab kuch clear hai na? No glitches. Very good. So sabse pehle to I would request you all, aap log apne videos off kar lijiye. ठीक है? कुछ लोगों के videos घरवाने तो please आप off कर लें, right? और in case of any doubt, any problems, आप मुझे unmute करने को कहिएगा, मैं आप लोगों को unmute कर दूँगा, आप अपने doubts clarify कर सकते हैं.

What is Python? I think जितने इस समय इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी ने कुछ ना कुछ पाइथन के बारे में सुना होगा सबके दिमाग में पाइथन लेकर कुछ ना कुछ एजमशन कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगी तो आज हम पाइथन की बिल्कुल सही परफेक्ट और ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आप इसे कहीं पे भी बोल पाएं जहां भी आप इसके बेस पर इंटरव्यूज फेस करें अपार्ट फ्रॉम दैट हम पढ़ेंगे पाइथन की हल्की सी हिस्ट्री याद रखिएगा डिटेल्ड हिस्ट्री आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आज बस उतनी कि आज के लेक्चर की आपको कंटिन्यूटी समझ में आए और उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथन क्या कर सकती है इनफैक्ट पाइथन क्या कर सकती है यह पूछना पाइथन की इंसल्ट है आप तो ये पूछिए कि पाइथन क्या नहीं कर सकती है एंड गेस आंसर क्या आएगा आंसर आएगा नथिंग ऐसा कुछ नहीं है जो आप पाइथन से नहीं कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर तरीके की एप्लीकेशन हर तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं हेल्प ऑफ python programming language then we'll discuss 2020 21 में python सीखना क्यों जरूरी है क्यों ये माना जा रहा है कि ऑप्टिमम टाइम है बेस्ट समय है अगर आप python सीखने की इस समय शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सारी बातों के बाद python के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो python को इतना पॉपुलर कर रहे हैं कि आप सब जानते होंगे आज python नंबर 1 स्लॉट के लिए एक बहुत पावरफुल कंटेन्डर है राइट right? आज से तीन साल पहले स्लॉट किसके पास था आज से तीन साल पहले ये स्लॉट जावा के पास था आज से तीन साल पहले तक 2016-17 तक लोग जावा को नंबर वन लैंग्वेज मानते थे लेकिन पिछले तीन साल में जबरदस्त कंपटीशन जावा को पाइथन की तरफ से मिला है तो आज हम ये भी पढ़ेंगे जावा पाइथन ये कंपैरिजन क्या है और पाइथन इतनी जबरदस्त तरीके से पॉपुलर कैसे हो रही है एज कंपेयर टू जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बाद थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा लेक्चर के एंड में

आज ही की पेपर की न्यूज है सात साल के एक इंडियन बच्चे ने पाइथन सीखकर पाइथन पे सर्टिफिकेशन कराए तब आप नोटिस करिए इससे बड़ा फैक्ट क्या हो सकता है बताने के लिए कि पाइथन बिगनर्स लैंग्वेज, पाइथन इज इज अ लैंग्वेज लैंग्वेज द बेसिक अगर आप प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो आप सीधे सीधे बिल्कुल कौटिल्य आप सीधे सीधे पाइथन से अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं राइट सो so, ऐसा कोई प्री पाइथन पढ़ने का नहीं है लेकिन मैं जब आपको पाइथन पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ चीजें पाइथन की सी के साथ कंपेयर करूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सी में बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए बट क्या आपने सी में अपना नाम प्रिंट कराने का कोड लिखा है आई थिंक जवाब होगा क्या आप सी में दो नंबर कर सकते हैं जवाब होगा हाँ बस इतनी ही सी की हमें जरूरत है अगर आपको लग रहा है सर मुझे तो इतनी भी नहीं आती है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन जिन्हें आती है उनका कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा क्यों पाइथन इतनी पॉपुलर है क्यों पाइथन को इतना सिंपल माना गया है वो आप तभी एप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो तो मैं मान रहा हूं आप प्रोग्रामिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं है लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप प्रोग्रामिंग में हेलो वगैरह प्रिंट करा लेते हैं इतना मान के चलो जल्दी बोलिए हेलो वेलो प्रिंट करा लेते हैं आप सी सी प्लस प्लस में किसी भी लैंग्वेज में सी सी प्लस प्लस मैटर नहीं करता किसी भी लैंग्वेज में आप ले लें बस सी इसलिए क्योंकि हम हल्का सा कंपैरिजन उसके साथ करेंगे ओके okay? तो ये पाइथन सीखने का प्री है जो आप देख सकते हैं ऐसा कोई स्पेशल खास बेघनर तो, तो है नहीं तो आपने सुना कभी ना कभी तो होगा प्रोग्रामिंग करती क्या है प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है बहुत सिंपल आंसर है प्रोग्रामिंग की जरूरत है डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए वेरी गुड डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए तो अगर आपको लगता है आपको किसी कंप्यूटर से किसी मशीन से इंटरक्ट करना है तो आप सब जानते होंगे कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरो अब हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में बात करें और कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में बात करें तो कोई तो होना चाहिए ना जो हमारे स्टेटमेंट्स को हमारे इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर से आने वाले रिस्पॉन्स को हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाए ये और कोई नहीं है ये है दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में हैं, आप मानते हैं सबके सब ट्रांसलेटर करने का काम करती सब की सब ट्रांसलेशन करने का काम करती हैं दे आर लाइक ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स इंसान और मशीन के बीच में जो ट्रांसलेशन करने का काम करती हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस राइट अब आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं आज मार्केट में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है देर आर 900 हंड्रेड प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट एज ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी दो में बैठकर अगर आप गिनेंगे तो 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आज आपको मिलेंगी लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में हैं हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कोई ना कोई कारण होता है जिस रीजन से उस लैंग्वेज को करा जाता है डिजाइन जैसे हम लोग थोड़ा सा सी के बारे में बात करते हैं तो आप सब मुझे बताएं क्या सी लैंग्वेज दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एवरी प्लीज रिस्पोंड क्या सी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी ना दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात अगर की जाए इफ सेज वट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं आपको बता दूं आई थिंक आपको पता भी होगा क्योंकि तो आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना फोर ट्रैन बी लैंग्वेज नहीं थी बी लैंग्वेज आई थी 1969 में में आई थी 1957 में, तो Fortran, दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो सी लैंग्वेज से तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं हुई थी प्रोग्रामिंग की शुरुआत तो किसी और लैंग्वेज से हुई थी फिर सवाल आता है सी लैंग्वेज मार्केट में क्यों आई तो आई थिंक सब जानते होंगे सी लैंग्वेज मार्केट में आई ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट आसान बनाने के लिए और आपने शायद सुना होगा दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है UNIX, वो किस में बना है यूनिक्स 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 वो डिजाइन करा गया वेरी गुड हैज बीन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिक्स और यूनिक्स का जीवाई वर्जन विच इज कॉल्ड एज लिनिक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे गए यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन आपको यह भी पता होगा सी अपने आप में एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या मतलब होता है इस बात का इस बात का मतलब यह होता है कि सी में जैसे जैसे प्रोग्राम की साइज ग्रो करती है जैसे जैसे प्रोग्राम की साइज बढ़ती है प्रोग्राम दस हजार से चालीस हजार पचास हजार एक लाख लाइनों तक का होता है तो प्रोग्रामर के लिए उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इसलिए दुनिया में एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई दुनिया में एक और प्रोग्रामिंग स्टाइल आया शायद सबने नाम सुना होगा और उस प्रोग्रामिंग स्टाइल का नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब यह स्टाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो इस स्टाइल ने यह बताया कि प्रोग्राम्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप बिल्कुल परेशान मत हो आप ये सब पाइथन में पढ़ेंगे मैं सिर्फ अभी कंपेरिजन कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मार्केट में आई तब मार्केट में उसने धूम मचा दी और लोगों को ऐसा लगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में करे जाने चाहिए और यही कारण था कि उस जमाने की दो टॉप लैंग्वेजेस दो टॉप कंपनीज अपने सारे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ओर सी प्लस प्लस में डेवलप करती थी आई थिंक आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा सुना होगा पूछने की जरूरत ही नहीं है और आप सबने एडोब का नाम भी सुना होगा एडोब का नाम सुना है आपने कंपनी एडोब सुना है तो एडोब और माइक्रोसॉफ्ट ये दो टॉप कंपनीज थी जिन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट सारे सॉफ्टवेयर c++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिजाइन करें और सब जानते होंगे c++ ने c को इनहेरिट कराए? है यस और नो c++ ने c को इनहेरिट कराए और c को इनहेरिट करके c++ ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स उसमें ऐड करे राइट और c++ इतनी पॉपुलर हुई कब आई थी c++ c लैंग्वेज अगर मैं आपको ईयर वाइज बताऊं तो c लैंग्वेज तो आई थी 1972 में c++ एज अ लैंग्वेज मार्केट में आई थी 1979 में और 1979 ऑनवर्ड्स ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई कि जैसा मैं कह रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट और एडोब इन दोनों ने इस लैंग्वेज को यूज करके अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाए और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये वो इंसान कह रहा है जिन्होंने सी डबल प्लस डिजाइन की है आई थिंक सब जानते होंगे सी डबल प्लस के डेवलपर का नाम सी डबल प्लस जिन्होंने बनाई उनका नाम है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप और मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप की वेबसाइट है मैंने नीचे स्लाइड में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सी डबल प्लस लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट ने और एडोब जैसी कंपनीज ने डेवलप करे ठीक है ये कौन से साल की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूं नाइनटीन की अर्ली नाइनटीन की जब सी डबल प्लस एज ए लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च हुई थी ठीक है अब बात आती है जब ये सारी लैंग्वेजेस थीं, तो पाइथन एज अ लैंग्वेज मार्केट में क्यों आई और पाइथन क्या है तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं पाइथन क्या है वॉट इज पाइथन तो बात करते हैं वॉट इज पाइथन तो मैं आपको समझा रहा था अगर कोई आपसे पूछता है पाइथन अपने आप में क्या है तो आप क्या डेफिनेशन देंगे तो पाइथन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है प्लीज अंडरस्टैंड वेरी 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 केयरफुली पाइथन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है दैट पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबको पता है बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाइथन एक जनरल पर्पस पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है है अगर आपको लगता सर जनरल का मतलब क्या है तो जनरल पर्पस का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नहीं बनाई गई थी किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए नहीं बनाई गई थी आप पाइथन सीख कर किसी भी तरह की एप्लीकेशन कर सकते हैं डिजाइन अगर मैं जनरल पर्पस को इंग्लिश के दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करूं तो मैं कहूंगा पाइथन इज अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेटाइल को इंग्लिश के तीसरे वर्ड में कन्वर्ट करूं तो मैं कहूंगा पाइथन इज अल राउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी आफ्टर लर्निंग पाइथन देर आर होस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आप पाइथन में डिजाइन कर सकते हैं पाइथन किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए डिजाइन नहीं करी गई है एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस जल्दी जल्दी बोलिए ये बात समझ में आ रही है पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नहीं कई तरह के प्रोग्राम आप पाइथन में बना सकते हैं आप दिमाग में आपके क्यूरोसिटी आनी चाहिए सर कई तरह के प्रोग्राम मतलब क्या तो मैं आपको बता दूं पाइथन इतनी वर्सेटाइल है कि पाइथन के अंदर आप डेवलप कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन आई थिंक डेस्कटॉप एप्लीकेशन नाम सुना होगा नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल करके चलाते नहीं यूट्यूब डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है आशीष यूट्यूब इज अ वेब एप्लीकेशन राइट अफकोर्स यूट्यूब पाइथन में डिजाइन करी गई है बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब यूट्यूब नहीं है डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब एंटीवायरस हुआ डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब मीडिया प्लेयर्स हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब नोट हुआ कैलकुलेटर हुआ दे ऑल आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझ आया जल्दी बोलिए क्लियर हुआ तो आप इस तरह की एप्लीकेशन पाइथन में बना सकते हैं देखते चलिए बहुत सारी लिस्ट है बहुत सारी लिस्ट है अगर हम गिनने बैठे ना तो दो दिन भी कम पड़ जाएंगे देन आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन ठीक है 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 आपने सुनाए। आपने यूडेमी यूडेमी नाम नाम सुना सुना एक बहुत पॉपुलर ग्रोइंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपने इंस्टाग्राम सुना है आपने इंस्टाग्राम का नाम सुना है आपने यूट्यूब का नाम सुना है ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है बट शायद आप ना जानते हो इन सब के पीछे लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है इन सब के पीछे जो लैंग्वेज काम कर रही है दैट इज पाइथन पाइथन में ही यूट्यूब डिजाइन करी, करी गई है और आजकल एक और बहुत पॉपुलर हो रही है एप्लीकेशन स्पोटिफाई सुना है आपने नाम स्पॉटिफाई है जो ऑनलाइन ऑडियो वेबसाइट है सॉन्ग्स की वेबसाइट so है म्यूजिक की दैट टू हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग पाइथन तो नोटिस करिए पाइथन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी है पायथन वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी है पायथन में ही आप आईओटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं आईओटी आई थिंक फुल फॉर्म जानते होंगे नहीं जानते हैं आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या होता है ये होता है ऐसे प्रोग्राम्स बनाना ऐसी एप्लीकेशंस बनाना जिससे आप डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएं तो आजकल लोग अपने मोबाइल ऐप से एसी कंट्रोल कर लेते हैं आजकल लोग मोबाइल से एसी कंट्रोल कर लेते हैं

एक सबसे इंपॉर्टेंट बजवर्ड दूसरा नाम है मशीन लर्निंग तीसरा नाम है डेटा साइंस ये सब के सब जो आज के एरा में सबसे पॉपुलर और हॉट जॉब्स हैं हैं ये सारी की सारी की आप डेवलप कर सकते इनकी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप समझ सकते हैं पाइथन की वसाइली कितनी है आप सिर्फ पाइथन को वेबसाइट्स के लिए ही नहीं आप पाइथन को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए IoT applications के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऐसे कई कामों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं चीजें समझ आ रही होंगी, right? अभी आपने आपने सुना सुना के लिए एक बनी है। अगर आपने सुना, तो इसराइल की कंपनी ने एक ऐप बनाई है कैसी ऐप आप? वो आपका वॉइस सैंपल लेती है और आपके वॉइस सैंपल से बताती है कि कोविड का आपको कितना खतरा है Have you heard this? Normally तो जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो तो आपके ब्लड सैंपल लेकर होते हैं ये आपके वॉइस सैंपल से लेकर करती है एंड दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन किसने बनाई है इसराइल की कंपनी ने बनाई है क्या हो रहा है इसका अब बॉम्बे के अंदर लोगों के वॉइस सैंपल्स लेकर इस कंपनी को भेजे जा रहे हैं कितनी देर में रिजल्ट आता है चार मिनट में रिजल्ट आ जाता है ये बताने के लिए कि आप कितने सेंसिटिव हैं कोविड की तरफ कोविड का आपको कितना खतरा है आपके वॉइस सैंपल्स के थ्रू दैट इज एन ऐप डेवलप जिसके पीछे काम कर रहा है सर्वर पे पाइथन का कोड ऐप नहीं है पाइथन में डेवलप ऐप तो बनाई गई है एंड्रॉइड में लेकिन जो सर्वर पे कोड लिखा है आई बात समझ दिसरा सो so, इतनी सारी चीजें जो पाइथन के अंदर आपको करने को मिलेंगी जिनसे लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं फाइन तो यह है पाइथन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू कि पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निधि पता करना कैसे पता करते हैं एक एल्गोरिथम लिखी गई है पहले वो आपका वॉइस सैंपल लेते हैं फिर वो आपको खासने को बोलते हैं आपके खासने से जो वॉइस प्रोड्यूस होती है उसको वो उस पर्टिकुलर बंदे की वॉइस से कंपेयर करते हैं जिसको कोविड है उसके पीछे एक वॉइस पैटर्न होता है और उससे वो पता करते हैं अब वो एल्गोरिथम मैं नहीं डिस्कस कर रहा बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप पाइथन का डोमेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आर्य बात समझ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है When was में सब की तैयारी तो होते होते हो गई थी शुरू हुआ था डेवलपमेंट 1991 में पाइथन को लॉन्च कर दिया गया था डेवलपर्स के लिए राइट right? ये सारी हिस्ट्री अगले लेक्चर में आएगी आज तो हम बाकी बातें कर लें पाइथन से रिलेटेड सो so, इतनी तरह की एप्लीकेशन है और ये तो छोटी सी लिस्ट है इसमें अभी मैंने हैकिंग को शामिल नहीं कराए हैकिंग एप्लीकेशन आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं इनफैक्ट पाइथन में हैकिंग पे बुक लिखी गई है अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है आप पाइथन सीखिए और एक वर्ल्ड लोन हैकर ने पाइथन पे बुक लिखी है अभी बताऊंगा आपको बुक कौन सी है वो बुक देखकर भी उससे भी आप हैकिंग के कोड्स लिख सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस यस बिल्कुल पाइथन आपको इतना पावर देती है कि आप इस लैंग्वेज को यूज करके जैसी चाहे वैसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं चले आगे समझ आया आपको जनरल पर्पज मेरा बस एम था कि आप जनरल पर्पज वर्ड समझें समझ आ गया जनरल पर्पज में क्या क्या आ गया सब आ गया बस एक चीज याद रखिएगा पायथन में दो चीजें नहीं बनती हैं है ना किसी के सामने झूठ नहीं बोलना है पायथन में दो चीजें नहीं बनती हैं कौन कौन सी दो चीजें नहीं बनती हैं पायथन में ऑपरिंग सिस्टम नहीं बनता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है पाइथन एप्लीकेशन लेवल की लैंग्वेज है ना कि सिस्टम लेवल की तो ऑपरिंग सिस्टम आज भी सी में बनता है यस yes, आज भी अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है तो फर्स्ट चॉइस उसकी होती है सी या असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दो के अलावा किसी और में वो ओएस नहीं बनाते हैं ठीक दूसरा पाइथन में याद रखिएगा मोबाइल एप्स भी नहीं बनती है हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पाइथन का मोबाइल ऐप का भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का उस प्लेटफॉर्म का नाम है कीवी के आई वी वाई कीवी लेकिन ये प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली उतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है जितना पॉपुलर मोबाइल ऐप में जावा है बट आप मानते हैं मोबाइल ऐप में दो पार्ट्स होते हैं थोड़ा सोचिए टेक्निकली मोबाइल ऐप के दो पार्ट होते हैं एक वो जो आपके मोबाइल में चल रहा है एक वो जो सर्वर पे चल रहा है व्हाट्सएप के दो पार्ट हैं जल्दी जल्दी बोलिए हैं एक वो व्हाट्सएप है जो आपके मोबाइल पे आपको दिखता है और एक वो व्हाट्सएप है जो व्हाट्सएप के सर्वर पे चल रहा है जो सर्वर वाला कोड है वो आप आराम से डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अगर कोई पूछता है पाइथन क्या नहीं कर सकती तो आपका बस दो ही आंसर है पाइथन में ऑपरिंग सिस्टम नहीं बनता और पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनती है सर्वर साइड कोडिंग कर सकते हैं लेकिन मोबाइल में रन करने के लिए पाइथन का कोड हम नहीं लिख सकते हैं आई बात समझ एवरी वन प्लीज इज दिस क्लियर इसके अलावा यू थिंक ऑफ द डोमेन और वहां पर आपको पाइथन का पेनिट्रेशन मिलेगा चाहे आपको डेटा बेस करना हो पाइथन चाहे आपको ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कुछ भी बनाना हो आपको पे पाइथन का सपोर्ट मिल जाएगा प्रोसीड, सर व्हाट्स द वेब पाइथन नेहा में समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन पाइथन में बनी है ऐसा व्हाट्सएप का वेब हाँ व्हाट्सएप का वेब पाइथन में नहीं है बट बनाया जा सकता है व्हाट्सएप का वेब किस में बनाए व्हाट्सएप का वेब एयरलाइन ने बनाए इस लैंग्वेज में बनाए व्हाट्सएप का सर्वर वाला कोड ई आर एल ए एन जी एयरलाइन ये व्हाट्सएप की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओके okay? चले आगे शेल आई प्रोसीड यस आशीष आई हैव टू स्टडी सो मच राइट प्रॉब्लम यही तो है टेक्नोलॉजी वाले लोगों की अपडेटेड रहना पड़ता है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हैं अब बात करते पाइथन किसने डेवलप मैं दोबारा बोल रहा हूँ है ना सबसे पहली एक्सरसाइज तो यहाँ पर यही है कि आप इनके नाम को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखें इनका नाम है गीडो वैन रोसन गुडो गुडो इनको लोग बुलाते रहते हैं इनका नाम गुडो नहीं है इनका नाम है गीडो वैन ही इज द डेवलपर जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को right? को डिजाइन करा राइट ये डेनमार्क बिलोंग करते हैं और इन्होंने सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में रहते हुए पाइथन को डिजाइन करा है और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में बता दूं ये मैथ्स में पीएचडी है ये मैथ्स में पीएचडी है बताइए मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये मैथ्स में पीएचडी है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पाइथन में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो किस से इंस्पायर्ड होंगी जो से इंस्पायर्ड होंगी वो चीजें आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं दिखेंगी लेकिन वो चीजें आपको पाइथन में देखने को मिलेंगी तो मिस्टर गीडो वैन रोसम मैथामेटिक्स में पीएचडी है तो इन्होंने बहुत सारी चीजें पाइथन में मैथ से कनेक्ट करके रखी है अब सवाल आता है पाइथन इन्होंने बनाई क्यों तो जवाब इसका ये है ये जब सेंटर फॉर एंड रिसर्च में काम करते थे उस समय पायथन तो थी नहीं तो इन लोगों को ऐसा लगता था जबरदस्ती प्रोग्रामर्स की रैगिंग लेती हैं वो जबरदस्ती प्रोग्रामर्स को परेशान करती हैं कारण आप याद करिए अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में सेमिकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपने एक हजार लाइनों का प्रोग्राम लिखा एक सेमिकोलन आप भूल गए पूरे प्रोग्राम में एरर आ जाती है एक सेमिकोलन भूलने के कारण पूरा प्रोग्राम एरर दे देता है। सी में ब्रेसेस बहुत ये चीजें टॉर्चर से कम नहीं है एक बिगनर के लिए सारी चीजें टॉर्चर से कम नहीं है एक बिगनर को बड़ी परेशानी होती है अगर आप उस बिगनर को इन चीजों को सिखाएं तो इनको ऐसा लगा एक सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें ना कोई सेमिकोलन का चक्कर हो ना कोई करली ब्रेसेस का चक्कर हो और कोई भी इंसान एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी इस लैंग्वेज को सीख पाए इसलिए इन्होंने पाइथन को डिजाइन करा इसलिए इन्होंने पाइथन को बनाया ताकि कोई भी बिगनर एक स्कूल जाने वाला किड भी पाइथन लैंग्वेज को सीख सके और यही कारण था कि इन्होंने पाइथन को जो बनाया वो इनहेरिट करके एबीसी नाम की लैंग्वेज को बनाया आपने शायद कभी इस लैंग्वेज का नाम नहीं सुना होगा ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके नाम से ही आपको इसकी सिंपलिसिटी का अंदाजा लगेगा एबीसी हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं ना ऑफ ऑफ प्रोग्रामिंग ड्राइविंग ऐसे ये नाम की एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को इन्होंने इस पर्टिकुलर पाइथन को डिजाइन करने के लिए यूज करा था तो आप देख सकते हो पाइथन को डिजाइन सिंप्लिसिटी को दिमाग में रख के करा गया मैं बताता हूं पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा इन्होंने पाइथन बनाई कैसे राइट और पाइथन क्यों डिजाइन करी गई तो सबसे पहले पाइथन क्यों बनाई गई तो मैंने आपसे कहा मिस्टर गीडो वैन रोसम चाहते थे कि एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज बनाई जाए जिसको सीखकर दुनिया का कोई भी डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप कर पाए तो मिस्टर गीडो वैन रोसम क्रिसमस की छुट्टियों में घर गए हुए थे कहा गए हुए थे क्रिसमस की छुट्टियों में घर पे गए हुए थे 1989 वो साल था जब मिस्टर गीडो वैन रोसम ने छुट्टियों में शौकिया तौर पे इस लैंग्वेज को डिजाइन करा यानी ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर एम को लेकर नहीं बनाई गई थी बस शौकिया तौर पे इन्होंने छुट्टियों में लैंग्वेज को डेवलप कर दिया था लैंग्वेज को डिजाइन कर दिया था इस एम के साथ कि अपने साथियों को अपने कोलीग्स को इस लैंग्वेज को दे पाए लेकिन तब से लेकर आज तक पाइथन इतनी पॉपुलर हुई ग्रोथ में मार्केट में इतना जबरदस्त पाइथन ने कैप्चर करा कि आज नोटिस करिए पाइथन टॉप फाइव लैंग्वेजेस में नंबर वन और नंबर टू स्लॉट पे कॉम्पीट कर रही है विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बनी थी बहुत जनरल के लिए बनी किसी खास एम से नहीं थी लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी इतनी थी थी इसकी पावर कि मिस्टर गीडो वैन रोसन को भी नहीं पता था कि आज लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो जाएगी और खुद गीडो गीडोवेन रॉसम कहाँ इस समय खुद गीडो वैन रॉसन को अभी इसी साल दस दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने रिक्रूट कराए अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली है इसलिए आप नोटिस करिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने पाइथन के सर्टिफिकेशन निकाले आपके नोटिस में यह बात है अगर आपको पाइथन लैंग्वेज पे सर्टिफिकेशन करने हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दे सकते हैं जबकि पाइथन माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ने मिस्टर गीडो वैन रोसन को अपने रिक्रूट करा है, अपने यहां जॉब पे रखा है और अब माइक्रोसॉफ्ट का भी सपोर्ट पाइथन के डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा आई बात समझ पॉइंट क्लियर हुआ राइट right? आगे बढ़े चलिए अब आता है एक बहुत ही कॉमन डाउट पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा लोग जो पाइथन के बेसिक्स नहीं जानते हैं उनको ये लगता है पाइथन का नाम सांप से इंस्पायर्ड है पाइथन स्नेक का भी नाम है क्या कहते हैं है? और पाइथन इस कंफ्यूजन को दूर करने कंफ्यूजन को क्रिएट करने में कोई कमी भी नहीं रखी है अगर आप मेरी स्लाइड के टॉप राइट पे देखें तो सांप का ही आइकन दिख रहा है दो सांप गले मिलते हुए दिख रहे हैं आपको टॉप राइट कॉर्नर पे राइट लेकिन पाइथन किसी भी एंगल से स्नेक के नेम से इंस्पायर्ड नहीं है Python के नाम में सांप का कोई रोल नहीं है तो फिर पाइथन नाम कैसे पड़ा पाइथन नाम पड़ा एक कॉमेडी सीरियल के नाम पे एक कॉमेडी सीरियल आता था जो मिस्टर गीरो को बहुत पसंद था क्या नाम था उस कॉमेडी सीरियल का उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ये एग्जैक्ट नाम था इसका मॉन्टी पाइथन में जो पाइथन वर्ड आप देख रहे हैं बस इससे लेकर मिस्टर गिरोवैन रोसन ने अपनी लैंग्वेज का नाम दे दिया यानी ये चाहते थे लैंग्वेज का नाम बड़ा मिस्टीरियस सा हो बड़ा फनी सा हो लोगों को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे इसलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम ये पर्टिकुलर नाम दे दिया दैट इज पाइथन पाइथन कोई टेक्निकल नाम नहीं है गौर कीजिएगा पाइथन कहीं से भी किसी टेक्निकल पार्ट से कनेक्टेड नहीं है बहुत सिंपल सा नाम है पाइथन दैट इज द नेम इंस्पायर्ड बाय वॉट एवरी वन प्लीज लेट मी नो इंस्पायर्ड बाय अ कॉमेडी सीरियल तो आप सोचिए कॉमेडी सीरियल से इंस्पायर्ड नाम है लैंग्वेज बनाई गई एज हॉबी कहीं भी सीरियसनेस दिख रही है आपको इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट में नहीं थी लेकिन आप नोटिस करिए लक था आज के एरा की जरूरत थी कि पाइथन इतनी पॉपुलर हुई जितनी मित्सर गीडोबैन रोसम ने सोचा भी नहीं था इन्होंने तो सोचा था बस ये अपने ऑफिस में इसको यूज करेंगे और मैथमेटिकल प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे बाद में इनको पता चला ये भी सरप्राइज थे पाइथन की ग्रोथ को देखकर और ये ग्रोथ कब से हुई है ये तब से हुई है जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हुआ है तब से मार्केट में आपको सबसे ज्यादा यूज पाइथन का दिखेगा जैसे जावा में बूम कब आया था जावा में बूम आया था 2007 में क्या हुआ था 2007 में ऐसा 2007 में स्मार्टफोन्स आए थे और जावा नंबर वन लैंग्वेज थी स्मार्टफोन्स के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए जानते हैं इस बात को आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन 2017 तक सिर्फ और सिर्फ डेवलप होती थी जावा में 2017 तक सिर्फ जावा एक लैंग्वेज थी जिसमें एंड्रॉइड एप्स बनती थी 2017 के बाद के आई आज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं अवेलेबल है जिसमें आप एंड्रॉइड एप्स बना सकते हैं लेकिन 2017 तक जावा वॉज दी ओनली लैंग्वेज जिसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप होती थी वैसा ही बूम पाइथन को मिल रहा है अब पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज जिसमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन डेवलप हो रही है आया समझ में पॉइंट क्लियर हुआ एवरी प्लीज रेस्पॉन्ड यस नो करते चलिए तो मुझे लेक्चर की पेस सेट करने में दिक्कत नहीं होगी मैं समझ पाऊंगा किस स्पीड में चलना है समझ आ रहा है आपको आर यू एबल टू रिलेट थिंग्स चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आप तो ये तो हुई पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा अब बात करते हैं पाइथन को मैनेज कौन करता है पाइथन को ओन कौन करता है बताइए जावा को ओन कौन करता है एवरी वन प्लीज रेस्पॉन्ड जावा किस कंपनी का प्रोडक्ट है वेरी गुड जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरैकल नो वन नहीं जावा को जावाकल ओन करती है Oracle responsible है जावा के नए के नए लिए ऐसी बताइए आपने जावा की क्लोजेस्ट कॉम्पिटेटर डॉटनेट का नाम सुना है डॉटनेट सुना है डॉटनेट को ओन कौन करता है डॉटनेट को ओन माइक्रोसॉफ्ट करता है राइट डॉटनेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट PHP का नाम सुना है PHP लैंग्वेज का नाम सुना है इसको कौन ओन करता है इसको जेंड Z E N D गौर कीजिएगा कंपनी की है वो PHP को ओन करती है तो सबसे पहले बताइए ये तीनों कमर्शियल कंपनीज हैं, एवरी वन प्लीज रेस्पॉन्ड ये तीनों कमर्शियल कंपनीज हैं यस yes, ये तीनों कमर्शियल कंपनीज हैं लेकिन पाइथन को याद रखिएगा कोई कंपनी ओन नहीं करती Python किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है पाइथन किसका प्रोडक्ट है पाइथन पी एस एफ का प्रोडक्ट है कौन है ये? आप लोग इंडिया में एनजीओ जानते हैं हमारे इंडिया में एन होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अमेरिका में एनपीओ होते हैं एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कंपनी कोई प्रॉफिट पाइथन से अर्न नहीं करती है और गैस करिए इसका फायदा सीधे हम डेवलपर्स को मिलता है यस yes, इसका फायदा सीधे हम डेवलपर्स को मिलता है कैसा कि हमें पाइथन को यूज करने के लिए कोई पैसा कोई चार्ज पीएसएफ को पे नहीं करना पड़ता जावा का चार्ज पे करना पड़ता है यस yes, अगर आप जावा को कमर्शियली यूज करते हैं तो आपको ओरेकल को लाइसेंसिंग फी देनी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज मार्केट में जितने स्टार्टअप हैं वो पाइथन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं स्टार्टअप के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता स्टार्टअप्स के पास इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा नहीं होता तो स्टार्टअप्स पाइथन की बनाते हैं तो उन्हें कोई कोई नहीं है पर अगर वो अपना प्रोडक्ट जावा पे डिजाइन करते हैं तो उन्हें तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है Python इतनी पॉपुलर क्यों है और इसी कंपनी की वेबसाइट से हम लोग पाइथन डाउनलोड करेंगे आने वाले में जब सिस्टम पे आपको मैं पाइथन कॉन्फिगर करना पड़ाऊंगा क्या वेबसाइट का नाम है आपको नीचे स्लाइड में दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम है पाइथन डॉट ओ और आप नाम देखकर इजीली पहचान पा रहे होंगे एक्सटेंशन वेबसाइट का ओ आर जी है नॉर्मली नोटिस करिए डॉट कॉम होता है ना नॉर्मली वेबसाइट का एक्सटेंशन डॉट कॉम होता है कॉम फॉर कमर्शियल और एकल डॉट लेकिन गौर करिए पाइथन का एक्सटेंशन डॉट है क्योंकि डॉट है इसका सिंपल सा मतलब ये है पाइथन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है एंड बिकॉज किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है एज अ डेवलपर आपके लिए पाइथन यूज करने के लिए फ्री है चाहे आप कमर्शियली यूज करें चाहे आप नॉन कमर्शियली यूज करें समझ आया आगे बढ़े फटाफट पड़ जवाब दीजिए आगे बढ़ू शलाय प्रोसीड राइट अब बात करते हैं पाइथन मार्केट में कहा यूज होती है कौन कौन सी जगह है जहां पर आप पाइथन का यूज देखेंगे तो जैसा मैंने कहा आप पाइथन में जीवाई डेवलप कर सकते हैं जीवाई का फुल फॉर्म जानते हैं जल्दी जल्द जीवाई का फुल फॉर्म जानते हैं जानते होंगे जीवाई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप जीवाई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट आप पाइथन को यूज करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसे आम लोग वेबसाइट बुलाते हैं हालांकि अगर आप टेक्निकली समझते हो तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में अंतर होता है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में अंतर होता है यस yes. अगर मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी है तो एच टीम एस सी एस एस सही बन जाएगी राइट लेकिन फिर मेरी वेबसाइट यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी मेरी वेबसाइट इनपुट नहीं ले पाएगी लॉग इन का फैसिलिटी नहीं दे पाएगी यूजर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा आप एमेजो वगैरह पे ये सब कर सकते हैं एमेजोन पे लॉग इन करना अकाउंट क्रिएट करना शॉपिंग करना ये सब कर सकते हैं राइट right. जब आप ये करते हैं तो वे वेबसाइट वेबसाइट नहीं रहती वो बन जाती है वेब एप्लीकेशन और इस तरीके की वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं भी आपको लिस्ट दिखाऊंगा पाइथन में बनाई गई पॉपुलर वेब एप्लीकेशन की देन पाइथन इज वेरी वेरी पॉपुलर

हैकिंग तक आप पाइथन के अंदर इजीली इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको इन सब की एक एक डिटेल एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे पाइथन को हम कहां पे यूज करते हैं आगे बढ़ू आगे बढ़ा जाए चलिए सुनिए ध्यान से अब आते हैं सबसे पहले जीयूआई एप्लीकेशन ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये कैलकुलेटर है जल्दी जल्दी बोलिए एवरी वन प्लीज रेस्पॉन्ड इज इट अ कैलकुलेटर यस इट इज अ कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर आप इजिली डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है आप मानते हो हर लैंग्वेज की अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है जैसे जो लोग सी जानते हैं आपको पता होगा सी की स्ट्रेंथ उसके पॉइंटर्स हैं जो लोग सी जानते हैं आपको पता होगा सी की स्ट्रेंथ उसके पॉइंटर्स हैं है, है. ऐसे पाइथन में याद रखिएगा स्ट्रेंथ है पाइथन की लाइब्रेरीज़, राइट लाइब्रेरीज का मतलब समझते हैं लाइब्रेरीज का मतलब होता है प्री आपको पाइथन बना के देती है फंक्शन का मतलब ना समझते हो तो मैं कोड लिख देता हूं प्री डिफाइंड कोड जो आपको पाइथन की तरफ से बना बनाया मिलता है तो जब आप पाइथन यूज करते हैं तो पाइथन आपको कई सारी लाइब्रेरीज देती है जिनकी मदद से आप क्या डेवलप कर पाएंगे जिनकी मदद से आप इजिली डेवलप कर पाएंगे जीवाई बेस्ड एप्लीकेशन राइट अगर आपको लग रहा है जीवाई के लिए पाइथन के पास क्या है तो स्क्रीन पढ़िए और चैट विंडो में टाइप करिए पाइथन की जीवाई लाइब्रेरी के नाम फटाफट स्क्रीन पढ़िए और चैट विंडो में टाइप कीजिए पाइथन की जीवाई लाइब्रेरी के नाम वेरी गुड पाइथन की जीवाई लाइब्रेरी का नाम है टीके इंटर और पाईक्यू टी क्या हम इन्हें पढ़ेंगे यस yes, हम इन्हें पढ़ेंगे जब इस कोर्स के बाद आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ध्यान दीजिएगा कोर्स के एंड में प्रोजेक्ट होगा एक जब इस कोर्स के बाद आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं आपको टी के इंटर लाइब्रेरी पढ़ाऊंगा और तब आप जीवाई एप्लीकेशन बनाएंगे जो आप पाइथन के अंदर करेंगे यूज बात समझ राइट right? तो विल बी लर्निंग लाइब्रेरीज जिसके थ्रू हम जीवाई एप्स बना पाए फिर आता है पाइथन का नेक्स्ट डोमेन वेरी वेरी पावरफुल डोमेन यस पाइथन पढ़ने के बाद पाइथन जब आपकी कंप्लीट होगी ना तब आप प्रोजेक्ट डिजाइनिंग करेंगे और उस प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में हम ये लाइब्रेरीज यूज करेंगे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करेंगे हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राइट right? अभी के लिए बस इतना ध्यान दीजिए हम इन्हें पढ़ेंगे अपने कोर्स में आगे जाकर चलिए नेक्स्ट आता है पाइथन में आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं अब आप सीधे सीधे जानना चाहेंगे कौन कौन सी पॉपुलर वेब एप्लीकेशन पाइथन में बनी है ये कुछ के नाम आपके सामने है सबसे पहला नाम आई डोंट थिंक किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है एवरी वन नोज वट इज नासा इज नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इनकी जो वेबसाइट है वो डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन इंस्टाग्राम वी ऑल नो क्या करती है इंस्टाग्राम इज अ फोटो शेयरिंग वेब एप्लीकेशन जहां पे आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ दैट इज डेवलप यूजिंग पाइथन यूडेमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप यूजिंग पाइथन स्पॉटिफाई म्यूजिक शेयरिंग वेबसाइट डेवलप यूजिंग पाइथन मोजिला कौन है मोजिला जल्दी जल्दी बोलिए कौन है मोजेला दिश डेवलप फायरफॉक्स जो फायरफॉक्स ब्राउजर डिजाइन करती है मोजिला की अपनी वेबसाइट डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन ड्रॉप बॉक्स एक बहुत पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट है राइट right? आप सब लोग आप सब लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं गूगल ड्राइव जैसे आप गूगल ड्राइव से फाइल शेयर कर सकते हैं ऐसे फाइल शेयर करने का ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ड्रॉप बॉक्सॉक्स भी डेवलप करा गया जब यूट्यूब ओरिजिनली बनी थी तब PHP में बनाई गई थी उसका पहला डिजाइन PHP में लिखा गया था बाद में YouTube को कन्वर्ट करा गया पाइथन में ऐसे ही एक आध नाम और बताता हूं आपको कोरा नाम सुना है आपने Have you heard the name Kora? एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म डेवलप यूजिंग पाइथन आपने रेडिट नाम सुना है यह भी एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है रेडिट दैट ऑल्सो हैज बिन डेवलप यूजिंग पाइथन तो इस सारे प्लेटफॉर्म्स के पीछे जो लैंग्वेज काम कर रही है दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी सारी वैरायटीज हैं देखिए लोगों ने जो पाइथन पे करी हुई है डिजाइन सर्वर पे सर्वर पे अतुल ये सब सर्वर वाला पार्ट है फ्रंट एंड पाइथन पे थोड़ी बनेगा इन सबका फ्रंट एंड किसमें बना होगा जल्दी बताओ सभी लोग बताएं इन सबका फ्रंटेंड किसमें बना होगा इन सबका फ्रंट एंड बना है एच टी एम एल में सी एस एस में जावा स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड इसी में बनता है याद रखना हमेशा चाहे आप सर्वर पे जावा यूज कर लो पाइथन यूज कर लो पी एच पी यूज कर लो एंड इन्हीं तीन से बनेगा राइट right? तो फ्रंट एंड तो इनसे बना है लेकिन जो सर्वर वाला पार्ट है वो लिखा गया है यूजिंग पाइथन हुआ क्लियर ठीक है अब इसके लिए पाइथन में क्या है इसके लिए क्या यूज हुआ है पाइथन में तो शायद आपने नाम सुना होगा जेंगो का सुना है आपने ये नाम नेम जेंगो इसको यूज करा गया है इन सारी एप्लीकेशन में तो इंस्टाग्राम जेंगो में डिजाइन की गई है जेंगो क्या है जेंगो पाइथन का ही फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क क्या होता है फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट आसान कर देता है तो क्या फ्रेमवर्क लैंग्वेज से कनेक्टेड होता है यस yes, हर फ्रेमवर्क किसी ना किसी लैंग्वेज से कनेक्टेड होता है जैसे जावा के होते हैं वो जावा से कनेक्टेड है ऐसे जेंगो कनेक्टेड है पाइथन से तो अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है पाइथन में तो जेंगो बढ़ना पड़ेगा अगर आपको लगता है सर मैं भी चाहता हूं एक वेब एप्लीकेशन पाइथन में बनाऊं तो जेंगो करना पड़ेगा यस yes, लेकिन आप जेंगो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या पढ़ना पड़ेगा जेंगो से पहले जैंगो से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी पाइथन पाइथन पढ़ के ही आप शिफ्ट हो सकते हैं तो जैंगो डेवलपमेंट। क्योंकि पूरा -पूरा नेक्स्ट आता है पाइथन डेटा साइंस में यूज होती है राइट right? कैसे यूज होती है डेटा साइंस में तो सबसे पहले आप डेटा साइंस का मतलब समझिए जैसा मैंने कहा आपके बिजनेस के डेटा को कैप्चर करना

सेल एनालिसिस होता है सेल एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि यूजर्स का कौन से प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है यूजर ने अगर मोबाइल खरीदा है तो क्या उसके साथ कवर खरीदा है या उसके साथ स्क्रीन गार्ड खरीदा है क्या ज्यादा परचेस करा है उसके हिसाब से ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट प्लान करते हैं और इन सब के पीछे कौन काम कर रहा है जल्दी बोलिए इन सब के पीछे कौन काम कर रहा है इन सब के पीछे काम कर रही है डेटा साइंस राइट तो मैंने कहा डेटा साइंस का यूज आपको हर बिजनेस में दिखेगा डेटा साइंस का यूज आपको इलेक्शंस में देखेगा हर जगह आप देखेंगे जहां डेटा के बेस पर एनालिसिस करना है वहां यूज होता है डेटा साइंस आप गौर करिए जब आप किसी जगह से जाते हैं कहीं से पास होते हैं तो गूगल का आपको पॉपअप आप आता है आपसे उस जगह के बारे में रेटिंग पूछी जाती है आप इस रेस्टोरेंट में गए खाना कैसा लगा आप इस मंदिर में गए एम्बियंस कैसी लगी ये सब पूछते हैं राइट वो सब कुछ आप नोटिस करिए उसके पीछे डेटा काम कर रहा होता है और आप मानते हैं डेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट है आप मानते हैं डेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा किंग है आज के मार्केट का अगर आपको अपना बिजनेस प्रोग्रेस कराना है तो डेटा को सही ढंग से आप हैंडल कर लीजिए और अगर डेटा को सही ढंग से हैंडल करना है तो उसके पीछे काम करती है डेटा साइंस डेटा साइंस के लिए भी पाइथन के पास लाइब्रेरीज हैं कौन सी लाइब्रेरीज हैं दिख रही हैं स्क्रीन पे जल्दी बोलिए स्क्रीन पे दिख रही है पाइथन की डेटा साइंस की लाइब्रेरीज दिख रही होंगी एक का नाम है नम्पाए और एक का नाम है पांडास ये पाइथन की डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करके आप डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस की तरफ अपना करियर ले जा सकते हैं लेकिन क्या इन्हें डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते इन सब के पहले भी क्या पढ़ना पड़ेगा बातें पढ़नी पड़ेगी पाइथन ये सब पाइथन की लाइब्रेरीज हैं इनको यूज करना तभी समझ आएगा जब आपको पाइथन के सिंटेक्सेज आते होंगे तो डेटा साइंस एक और ऑप्शन है जो आप पाइथन में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आता है एनज वेरी पॉपुलर ऑप्शन हाँ, बिल्कुल यश अगर आपको डेटा साइंस में डेवलप करनी है तो मैथ्स का बेस तो लगता है, का में भी लगता है। में उतना नहीं लगता, जितना मशीन लर्निंग में लगेगा फेस रिकॉग्निशन यूट्यूब का आपको म्यूजिक रिकमेंड करना यूट्यूब आपको म्यूजिक रिकमेंड करता है जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपके पास वीडियोस के बेसिस पर आपको बताता है रिकमेंडेड फॉर यू तो जो आपके वीडियोस के सजेशंस यूट्यूब देता है उसके पीछे कौन काम कर रहा है एवरीवन प्लीज टेल मी, उसके पीछे की करी गई है, करी गई है ये एक और काम है जो सर्वर पे आप पाइथन से करते हैं राइट दिस इज द एप्लीकेशन जो पाइथन में आप डिजाइन कर सकते हैं ऐसे ही नोटिस करिए इसी साल इसी साल नोटिस करिए मैंने आपको पेपर की कटिंग दिखाई है कोविड जब बहुत आ, पीक पे था मे वगैरह के एरा में मे वगैरह के टाइम पे तब साइंटिस्ट ने यूज करा था मशीन लर्निंग को यह प्रोडिक्ट करने के लिए कि कोविड की साइकिल कैसी होगी तो नोटिस करिए एक डिजीज का एनालिसिस करा जाता है विद हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग और इस मशीन लर्निंग की जो एल्गोर्डम्स हैं वो सब डेवलप हुई है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट पाइथन की मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज का नाम क्या है अगेन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पाइथन की मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज का नाम है साइकेट और टेंसर फ्लो और टेंसर फ्लो किसने बनाई है जानते हैं टेंसर फ्लो गूगल ने बनाई है गूगल की लाइब्रेरी है तो आप अगर टेंसर फ्लो यूज करते हैं तो आप गूगल बेस किसी भी प्रोडक्ट पे जहां मशीन लर्निंग लग रही है वहां पर अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं काम कर सकते हैं दैट इज एन अ वे जहां पे पाइथन बहुत पॉपुलर है ठीक है नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसा मैंने कहा आईओटी की एप्लीकेशन पाइथन में बनती है यस yes, नेटफ्लिक्स भी पाइथन पे है नेटफ्लिक्स का जो सर्वर है

राइट right? कितने का होता है पच्चीस डॉलर का होता है पच्चीस डॉलर का कंप्यूटर होता है और इस पच्चीस डॉलर के कंप्यूटर से आप डिवाइसेस को कंट्रोल करने का प्रोग्राम बना सकते हैं इसी को आईओटी में यूज करते हैं हम लोग तो अगर आपको कोई डिवाइस कंट्रोल करना है यूजिंग पाइथन तो आप रेसबेरी पाई यूज कीजिए रेसबेरी पाई की भी प्रोग्रामिंग नीडलेस टू से किसमें लिखी जाती है रेसबेरी पाई की प्रोग्रामिंग किसमें लिखी जाएगी ऑब्वियसली बात है पाइथन में पाइथन इज द चॉइस

राइट यस 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 मौसम यू कैन नॉट प्रोग्राम रेसबेरी पाए यूजिंग रेसबेरी पाए यू कैन डेवलप एप्लीकेशन रेसबेरी पाए आपको प्लेटफॉर्म देता है जैसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म देता है ना टू डेवलप मोबाइल एप्स, ऐसे रेसबेरी पाए आपको प्लेटफॉर्म देता है टू डेवलप आईओ टी एप्स राइट चलिए बढ़ू आगे चलिए आप थोड़ी सी पाइथन की पॉपुलैरिटी की बात करते हैं आपसे ठीक है आप नोटिस करिए पाइथन दुनिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है अब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं पाइथन क्यों पढ़ी जाए इतनी सारी लैंग्वेज तो में पाइथन से ही शुरू क्यों करें तो पहला रीजन पाइथन दुनिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है दूसरा रीजन जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है अब मेरी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं ध्यान से इस चार्ट को देखिए और मुझे बताइए इस चार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है जल्दी बताइए इस चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है Give me a yes or no. आ रहा है नहीं आ रहा है नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है गौर से देखिए जितनी लैंग्वेजेस हैं, सबकी ग्रोथ नेगेटिव में दिख रही है जितनी लैंग्वेजेज हैं सबकी ग्रोथ नेगेटिव में है पाइथन की अकेली चेक करिए ग्रोथ आपको पॉजिटिव में दिखेगी प्लस 5.2 परसेंट से पाइथन ग्रो कर रही है बाकी देखिए अधिकतर लैंग्वेजेस या तो स्टेबल हैं और या डाउन हो रही हैं। बट पाइथन की डिमांड के हिसाब से पाइथन फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है तो मान सकते हैं पाइथन फ्यूचर है क्या बोलते हैं हम मान सकते हैं पाइथन फ्यूचर है यस विदाउट एनी डाउट आप मान सकते हैं पाइथन फ्यूचर है और ये मैं नहीं ये इतनी सारी कंपनीज कह रही हैं ये सभी के लोगो जानते हैं ये जितने लोगो दिख रहे हैं सबको पहचानते हैं आप राइट right? जैसे मैं बता देता हूं नासा पता ही होगा आपको याहू अ पॉपुलर सर्च इंजन गूगल अ पॉपुलर सर्च इंजन यूट्यूब डेवलप यूजिंग पाइथन बिट टॉरेंट यूज करा होगा आपने खूब टॉरेंट यूज करते हैं ऑफिशियल कामों के लिए ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के लिए बिट टॉरेंट इज ऑल्सो डेवलप यूजिंग पाइथन ऐसे कैनोनिकल अगर आपने सुना हो तो कैनोनिकल उबंतु वालों ने उबंतु वालों का प्रोडक्ट है तो आप चेक करिए उबंतु नाम सुना है लाइनेक्स का एक फ्लेवर है वो केनोनिकल ने बनाया है और केनॉनिकल यूज करती है पाइथन नेटफ्लिक्स ठीक यूज करती है पाइथन फ्री है पांच और छह दिसंबर को नो क्रेडिट कार्ड नो डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड सो नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो डेवलप विद दी हेल्प ऑफ पाइथन यस तो आप नोटिस करिए नेटफ्लिक्स पे कितनी रिक्वेस्ट आती होगी कितना ज्यादा उनके सर्वर पे लोड पड़ता होगा वो लोड बैलेंसिंग करना उस रिक्वेस्ट को मैनेज करना सब वो लोग करते हैं यूजिंग जेंगो एग्जैक्ट पाइथन नहीं याद रखिएगा जेंगो फ्रेमवर्क पे करा ये सब कोरा इज एनदर वेब एप्लीकेशन डेवलप विद हेल्प ऑफ़ पाइथन आई होप थिंग्स आर क्लियर आ रहा होगा पाइथन का डोमेन समझ बिल्कुल पाइथन जितनी ही ग्रोइंग है नया पाइथन और जावा स्क्रिप्ट और जावा ये तीनों टॉप स्लॉट्स की लैंग्वेजेस हैं और अब तो इनके साथ साथ एक और लैंग्वेज पॉपुलर हो रही है गो सुना है आपने गो नाम गो लैंग जिसका पूरा नाम है गूगल की लैंग्वेज वो भी बहुत पॉपुलर हो रही है ठीक है लेकिन आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप एक लैंग्वेज पढ़िए उसके डोमेन पे आप बाकी सारी लैंग्वेजेस डेवलप कर सकते हैं समझ आया रेड हैट लेनेक्स का प्लेटफॉर्म है मौसम रेड हैट लेनिक्स है लेनेक्स का फ्लेवर है रेड हैट हम्म लेकिन आर का यूज बहुत लिमिटेड है राजू आर सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप आर पे वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते तो स्टैटिस्टिक्स जहां यूज होती है वहां आर पॉपुलर है लेकिन ओवरऑल पाइथन पॉपुलर है राइट right? आर में आपको कोई वेबसाइट बनी भी नहीं दिखेगी आर बस स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए हितेश कुछ पेड है जैसे जेंगो फ्री है जेंगो के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता लेकिन पाइथन के बाकी फ्रेमवर्क्स पेड हैं कंपिटिटिव के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है फैजान अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो बेस्ट लैंग्वेज C++ है राइट right? स्पीड के मामले में और अगर प्रोग्राम सिंपल तरीके से बनाना है तो बेस्ट लैंग्वेज पाइथन है पाइथन आपको कम लाइनों में काम करके दे देगी जहां C++ में काम ज्यादा होगा प्लेसमेंट के लिए सलोनी Python as well as Java दोनों की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको क्योंकि आप नहीं जानते जो कंपनी आपको मिलेगी जो कंपनी आपके यहां आएगी वो कौन से डोमेन या प्लेटफॉर्म पे काम करेगी और मैं आपको बता दू कंपनी में मल्टीपल डोमेन चलते हैं आप मानते हैं गूगल सिर्फ पाइथन पे काम नहीं करती है गूगल में जावा भी यूज होती है डू यू नो दैट इवन गूगल में सी सी प्सप भी यूज होती है कभी आप सर्च करके देखना है ना किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे पूरी कंपनी नहीं चलती हाँ उस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट उस लैंग्वेज पे चलता है इसलिए जब कंपनी पिक करती है तो मल्टी टैलेंटेड लोगों को देखती है राजू मैथमेटिक्स वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए नो no रिक्वायरमेंट आप आराम से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बेस इन मैथ्स चलेगा फैजान सी सी प्लस प्लस और पाइथन भी चलेगा बट करियर में कभी ना कभी जावा करनी पड़ेगी करियर में कभी ना कभी जावा करनी पड़ेगी आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो आपको जावा पे डिजाइन करना ही पड़ेगा ठीक है आया समझ में पॉइंट क्लियर गूगल को क्या बोलेंगे गूगल बहुत कुछ है गूगल कंपनी भी है गूगल सर्च इंजन भी है दोनों चीजें बोलेंगे आप गूगल को ठीक इज इट क्लियर नाउ तो ये था पाइथन का डोमेन अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के फीचर्स राइट पाइथन के क्या फीचर्स हैं Python इतनी पॉपुलर किन किन प्रॉपर्टीज के कारण हुई है तो अगला लेक्चर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड होगा आज तो हमारा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड नहीं था सिंपल लेक्चर लेक्चर था अगला हमारा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड होगा ओके चलिए अब मैं आपको बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बातें बता दू कोर्स का शेड्यूल फीस वगैरह ध्यान से सुनिएगा ये हमारा सिलेबस है जो हम लोग कवर अप करेंगे थैंक यू दीपम ये हमारा सिलेबस है जो हम लोग कवर अप करेंगे राइट right? ये पूरा कंटेंट आप इस कोर्स में कवरअप करेंगे इंट्रोडक्शन से लेकर डेटाबेस प्रोग्रामिंग फाइल लर्निंग जीवाई सब ये जो जीवाई वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये हम लोग कब बनाएंगे ये जो जीवाई वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये हम लोग डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट के साथ राइट right? जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम लोग जीवाई वाला पार्ट करेंगे जो इसी कोर्स के एंड में आपको मिलेगा ठीक है